जनसंख्या नियंत्रण पर बहस के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सिर्फ खाना और जनसंख्या बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं। इससे पहले यूपी के सीएम ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा न हो पाए। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि सभी धर्मों के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून समान होना चाहिए। दोनों ने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया लेकिन अक्सर दक्षिणपंथी नेता मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ने को मुद्दा बनाते हैं लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और तस्वीर पेश करते हैं। पहले आप सुनिए दोनों ने क्या कहा है। परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। भारत के अंदर सुरसा की तरह जनसंख्या की गति बढ़ रही है। एक मिनट में चाइना 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। अगर ये गति एक कड़े कानून से ही रुक सकता है, सभी धर्मों के लिए कानून समान हो तभी ये रुक सकता है। कुल प्रजनन दर यानी TFR यानी एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में बच्चों को जन्म देने की औसत संख्या पर एक नजर डालने से पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय में उच्च प्रजनन तो है लेकिन ये अन्य समुदायों की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। इतना ही नहीं, पिछले 2 दशकों में सभी धार्मिक समुदायों में मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेजी से गिरावट देखी गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के 5वें चरण की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2019-21 में मुस्लिम समुदाय में TFR 2.36, हिंदू समुदाय में 1.94, ईसाई समुदाय में 1.88, सिख में 1.61 और जैन समुदाय में 1.6 और जैन और नव बौद्ध समुदाय में 1.39 है। तो पहली नजर में देखने पर लगता है कि हाँ, वाकई मुस्लिमों में प्रजनन दर ज्यादा है, लेकिन आंकड़ों को और करीब से देखेंगे तो एक और सच्चाई पता लगेगी। 1992-93 में हुए पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे मुसलमानों में प्रजनन दर जहां 4.4 थी वो 2019-21 में लगभग आधा होकर 2.3 तक आ गई है। यानी इन सालों में प्रजनन दर प्रति मुस्लिम महिला 2.1 अंक तक गिरी। हिंदुओं में 1992-93 के पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में प्रजनन दर 3.3 थी जो 2019-21 में गिरकर 1.94 हो गई। यानी हिंदू महिलाओं में इस दौरान प्रजनन दर में 1.36 अंक की कमी आई। जाहिर है मुसलमानों में प्रजनन दर ज्यादा तेजी से गिरी है। एक सवाल यहाँ ये है कि क्या छोटी उम्र में शादी इसका कारण है? राइट विंग ये भी दावा करता है कि चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में 15 साल की उम्र में शादी की अनुमति है इसीलिए मुसलमानों में ज्यादा बाल विवाह है और इसके नतीजे में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन बाल विवाह के मोर्चे पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय का रिकॉर्ड खराब नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में शादी की औसत उम्र 18.7 साल है। सिख में ये उम्र 21.2 साल, ईसाइयों में 21.7 साल और जैन समुदाय में 22.7 साल है। एक मसला आबादी का भी है। कोई नेता कह रहा है कि ये सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है तो दूसरा कह रहा है कि सख्त कानून की जरूरत है। लेकिन क्या वाकई में आबादी की स्थिति विस्फोटक है? सच्चाई एकदम अलग है। इस सर्वे के मुताबिक कुल प्रजनन दर 2015-16 में 2.2 से गिरकर 2019-21 में 2 हो गया है। अब इसी से जुड़ी एक चीज है बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, यानी प्रति महिला 2.1 से कम बच्चे का मतलब है कि एक पीढ़ी खुद को रिप्लेस करने के लिए पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं कर रही है। आसान भाषा में कहें तो प्रजनन दर से ज्यादा मृत्यु दर की स्थिति। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रहती है जिसके कारण आगे जनसंख्या में गिरावट देखी जाती है। इसके नतीजे का अंदाजा लगाना शुरू भी हो गया है। अभी भारत की आबादी में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की हिस्सेदारी 27.3% है जो इसे दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक बनाता है। लेकिन सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमान के अनुसार साल 2036 तक युवाओं की हिस्सेदारी कम होकर 22.7% हो जाएगी। दूसरी तरफ जनसंख्या में बुजुर्गों का अनुपात 1991 में 6.8% से बढ़कर
2016 में 9.2% हो गया और आगे 2036 में इसके 14.9% तक पहुंचने का अनुमान है। इसके असर के बारे में बस इतना समझ लीजिए कि कमाने वाले कम होते जाएंगे और घरों में बैठकर खाने वाले बढ़ते जाएंगे। इकोनॉमी ही नहीं, घर का बजट भी बिगड़ जाएगा। ऐसे ही कुछ स्थिति चीन में हो चुकी है। चीन में 2010 में जहां कुल जनसंख्या में बुजुर्गों का शेयर 13.26% था, वहीं 2020 में यह बढ़कर 18.7% हो गया। इसी का परिणाम है कि चीन में घटती वर्किंग एज पॉपुलेशन, मजबूरन वर्षों के कठोर जनसंख्या नियंत्रण के बाद चीन ने 2016 में दो बच्चों की अनुमति देने के लिए अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी में ढील दी। लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनी तो फिर 2021 में तीसरे बच्चे की अनुमति देने के लिए और ढील दी गई। तो जो लोग भारत में आबादी को कंट्रोल करने के लिए सख्ती की बात कर रहे हैं, उन्हें अपनी ही सरकार के आंकड़ों और चीन की हालत जरूर देखनी चाहिए। हकीकत यह है कि हमने आबादी पर कामयाबी से काबू पाया है। आबादी में विस्फोट ना हो यह जरूर सुनिश्चित करें, लेकिन सख्ती की जरूरत नहीं है और इस पर राजनीति करने के लिए धर्म विशेष को निशाना बनाने की तो बिल्कुल भी नहीं।